हेलो एवरीवन, आई गेस आई एम ऑडिबल एवरीवन। गुड इवनिंग जी। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं इवोल्यूशन की 30 MCQs। राइट, इवोल्यूशन के कितने MCQs? 30 MCQs। तो फिर चलिए मजा इंटू 100 करते हैं इवोल्यूशन के साथ। आई गेस मेरी आवाज आ रही है एकदम बढ़िया से, जल्दी से बता दीजिए। आई गेस आई एम लाइव नाउ एंड इवोल्यूशन के जल्दी से 20 मिनट्स के अंदर खत्म कर लेंगे। ओके, लेट्स सी सर, वेलकम टू अन एकेडमी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं किया, पहले कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब करने वाले हो। तो चलिए विद दिस फेथ ऑन एन एकेडमी, लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने, स्क्रीन के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर वन। हेलो जी, क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी आपसे पूछा गया। व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? ओके, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज एनसीईआरटी का जो डेफिनेशन है उसको बताइएगा। इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। वेरी गुड, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, लाइफ फॉर्म की हिस्ट्री। वेरी गुड, द आंसर विल बी नंबर ए। वेरी गुड, चलिए क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर टू में? आइए प्लीज गाइज फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू क्या क्वेश्चन है आप सभी के सामने? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज रॉन्ग? इनकरेक्ट, मतलब रॉन्ग, इसमें रॉन्ग कौन सा है? इसमें रॉन्ग कौन सा है चलिए देख लेते हैं जल्दी से। यूनिवर्स इज 20 बिलियन ईयर ओल्ड, बिग बैंग थ्योरी गिवन बाय लैमेटर। ओके वेरी गुड, एक्सप्लेन द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड बाय ह्यूज एक्सप्लोशन। ओके ठीक है, और क्या लिखा है? गैलेक्सीज जो होती है भाई वो कंडेंसेशन से हुई है। तो आंसर आ जाएगा टू का डी हो जाएगा। इसमें सारे सही है, तो इसमें नन ऑफ द अबव। राइट, क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर थ्री आइए फोकस करते हैं सभी के साथ मिलके। ओके, वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। याद है अर्थ में, प्रिमिटिव अर्थ में एनर्जी का क्या सोर्स था उस टाइम पे? तो भाई प्लांट व्लांट तो कुछ थे ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? यूवी रेज एंड लाइटनिंग। याद करिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स में भी यूवी रेज एंड लाइटनिंग, याद करिए तो उसके लिए इलेक्ट्रिक स्पार्क्स यूज किए जाते थे। आंसर विल बी नंबर डी। वेरी गुड, थ्री का भी डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल है आपके लिए क्वेश्चन नंबर फोर? नाउ अबायोजेनेसिस। ओके, अबायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ओरिजिन सपोर्ट्स अबायोजेनेसिस, अबायो विदाउट लिविंग। तो आंसर क्या आ जाएगा? लेट्स सी, अबायोजेनेसिस थ्योरी ओके ऑफ ओरिजिन सपोर्ट्स ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम, क्या हो जाएगा? केमिकल प्री एग्जिस्टिंग ब्लू ग्रीन ना, स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। तो फोर का ए हो जाएगा। वेरी गुड, दिस इज द आंसर ऑफ चॉइस। नाउ गाइस, मैं आप सभी से बता रहा हूँ, अभी तक हमने रिप्रोडक्शन का पूरा यूनिट जेनेटिक्स खत्म कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, सेल, इतने सारे हम लोगों ने एमसीक्यू ये यूट्यूब पे कर चुके हैं। आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहीं पे देख सकते हो। ओके, और हर में हम लोगों ने अराउंड 30 तो टच किए हैं क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ आ गए आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या सवाल है आपके लिए स्क्रीन पे? वन ऑफ द अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज अर्थ एटमोसफियर बिफोर ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज। अर्थ का एटमोसफियर कैसा था पहले? पहले कैसा था अर्थ में? अर्ली एटमोसफियर वॉज रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मतलब ऑक्सीजन एबसेंट था, रिड्यूसिंग विथ ऑक्सीजन एबसेंट, और अभी ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ आ गए आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या सवाल दिया गया आपको? फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के अकॉर्डिंग फिटनेस किसको बोलते हैं जल्दी से बता दीजिए। डार्विन के अकॉर्डिंग, डार्विन के लिए जो फिटनेस था, द टर्म फिटनेस वॉज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। वेरी गुड, आंसर आ गया, यस। क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन आपको क्या स्क्रीन पे बोला गया है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज गिवन बाई, नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है किसने दी थी भाई? ऑब्वियसली डार्विन, अभी बात करें तो डार्विन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर एट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने? साइंटिस्ट हु ऑल्सो केम टू द सिमिलर कंक्लूजन आफ्टर द ओके अराउंड द सेम टाइम ऑफ चार्ल्स डार्विन। याद करिए डार्विन जी गैलापागोस गए थे, और ये जो साइंटिस्ट है अल्फ्रेड वॉलेस जी, ये कहाँ गए थे? मलाया आर्चिपेलागो। राइट, है ना, यस। क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन एकदम बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर नाइन, द शिप यूज बाई चार्ल्स डार्विन ड्यूरिंग ए सी वॉयज वॉज एच एम एस बीगल। नाम क्या? एच एम एस ईगल नहीं है, एच एस एम नहीं है, एच एम एस बीगल। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन। ओके लो, मैंने आंसर ही बता दिया था इस वाले क्वेश्चन का भी थोड़ी देर पहले। ओके, अल्फ्रेड वेलेस वर्कड इन कौन से, कहाँ पे वर्क किए थे? गैलापागोस में, ऑस्ट्रेलिया में, मलाया में, या फिर तुम्हारा नन ऑफ देम? आंसर आ जाएगा मलाया आर्चिपेलागो। अभी अभी बताया ना इस वाले का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन यहाँ पे जरा सा हम लोगों को लग रहा है, यस हाँ अभी दिख रहा है ड्रॉइंग, अभी आपको दिख रहा है ड्रॉइंग। यहाँ पे एक्स वाई जेड को आइडेंटिफाई करना है आपको, जल्दी से आइडेंटिफाई करिए ये क्या है जी, ये एक्स वाई जेड क्या है?
चलो लेट्स सी कौन आइडेंटिफाई कर सकता है यहाँ पे इनको। एकदम बढ़िया से देखते हैं इसको किसने आइडेंटिफाई कर लिया। ओके वेरी गुड सर, आंसर आ गया। यस आंसर आ गया। क्या हो जाएगा सर? ये तो टीरेक्स है, ये तो टिरानोसोरस है, तो वाई नंबर टिरानोसोरस का एक ही जगह दिया है। ये आर्कियोप्टेरिक्स है। ओके ये तो मिसिंग लिंक भी हो गया है, कनेक्ट कर रहा था, मिसिंग भी है राइट। और यहाँ से तुमने कर दिया टेरानोडॉन, वेरी गुड। चलिए ये कितना नंबर क्वेश्चन था वैसे, एक सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था ये, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11 राइट, क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन। आइए इसको वापस जूम कर लेते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द गिल स्लिट इन द एम्ब्रायोस ओके ऑफ ऑल वर्टिब्रेट सपोर्ट द थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन राइट। थ्योरी ऑफ रिकैपिचुलेशन याद है ये? ओके सर याद आ रहा है। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, क्या बोलते हो? यस याद आ रहा है। ओके किसके द्वारा दी गई थी थ्योरी, जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। टेंडरल ऑफ कुकुरबिता एंड थॉर्न ऑफ बोगनविलिया आर एग्जाम्पल ऑफ डैश, कैसे हो जाएंगे ये? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब क्या हो गया? होमोलोगस ऑर्गन, डेफिनेटली, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, फोकस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू द विंग ऑफ बर्ड? विंग ऑफ बर्ड से होमोलोगस कौन सा हो जाएगा? विंग ऑफ मॉथ, नो, एनालोगस हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट, हाइंड लिम्ब से तो हो ही नहीं सकता, डॉर्सल फिन भी नहीं होगा, आंसर जाएगा फ्लिपर ऑफ व्हेल। ओके दोनों का अल्टीमेटली स्ट्रक्चर एक है, फंक्शन डिफरेंट आ गया, वेरी गुड। ना स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल राइट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या सवाल है? द विंग्स ऑफ ओके द विंग्स ऑफ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर, ये दोनों कैसे ऑर्गन है पहले बताइए। ये एनालॉगस राइट, एनालॉगस तो कौन सा इवोल्यूशन शो हो रहा है यहाँ पे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कैसे इवोल्यूशन? कन्वर्जेंट। अब चूज कर लीजिए आंसर क्या होना चाहिए। ओके आई गेस सब इजी हो गया। ठीक है विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ इंसेक्ट वाले क्या होना चाहिए आंसर? ए पीएमटी का क्वेश्चन नंबर 15 एकदम इजी, आप देख लियो आंसर। ठीक है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है एनालॉगस स्ट्रक्चर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछा गया है? ओके क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा आपसे? चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन? विंग्स ऑफ कीवी वेस्टिजियल, पेल्विक गर्डल ऑफ पाइथन वेस्टिजियल, कॉकिक्स इन मैन वेस्टिजियल, बट नॉट द फ्लिपर ऑफ सील। तो आंसर भी नंबर डी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 चले। यस क्वेश्चन नंबर 17 क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 पे? ओके विच इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? मैन में कौन सा वेस्टिजियल नहीं है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन वेस्टिजियल है, एक्वाटिक लाइफ में जरूरी था, अभी नहीं। ठीक है ओके वेरी गुड सिद्धि जी, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। टेल वर्टिब्रा बेसिकली टेल वाला तो वेस्टिजियल है, वर्म ऑफ अपेंडिक्स वेस्टिजियल बट नॉट द नेल्स, तो आंसर विल बी नंबर डी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 पे? फिनोमिनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डेमोन्स्ट्रेट, व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ओके डेमोन्स्ट्रेट, क्या दिखाता है ये? नेचुरल सिलेक्शन, वेरी गुड। नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म हो गया या फिर तो आपका डार्विन फिंचेस हो गए राइट, याद है क्या? ओके एडप्टिव रेडिएशन भी दिखाती है राइट, एडप्टिव रेडिएशन भी दिखता है वहाँ, तो मेन तो वो एडप्टिव रेडिएशन है वहाँ। ठीक है ये चीज याद रख लीजिएगा, नहीं तो आप बोलो कैसा ये क्या हो गया राइट। ओके वहाँ पे आपको और भी आइसोलेशन ये सब भी दिखते हैं, कौन सी वाली है बहुत कम लोगों को पता है ना। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, कोई बात नहीं, वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन सो आई गेस एवरी वन मस्ट डू द क्वेश्चन। अभी एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया जरा सा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एज ऑब्जर्व इन द पेपर्ड मॉथ प्रूव्स दैट, क्या प्रूफ किया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म से? हमको पता चला कि जो टू जो ब्लैक मेलानिक फॉर्म होते हैं वो एस्केप हो गए क्योंकि पॉल्यूशन हुआ तो पेड़ में वो ब्लेंड हो गए क्योंकि लाइकेन तो गायब हो गए थे, तो उनको ओके बोलते हैं तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई ब्लैक वालों की, ब्लैक वाली मतलब बिस्टन कार्बोनेरिया की, तो आंसर भी नंबर डी, वेरी गुड। चलिए और कर लें क्या, यही है ना? ओके सॉरी ना क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 19 था, दिस वाज 19। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 20। बताइए इतने जल्दी क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम लोग, क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 20? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर एग्जांपल्स ऑफ, ओके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल याद है क्या? यस सर याद तो है, एकदम ईजी है सर, वहाँ पे अडेप्टिव रेडिएशन था हम लोगों ने, बस क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, वट शुड बी द आंसर, वट यू फील कि भाई यही होना चाहिए आंसर, लेट अस सी कि किस किस को याद है ये चीज, लेट्स सी। ओके वेरी गुड कर दिया। ओके देखता हूँ आप लोगों ने क्या आंसर किया। ओके वेरी गुड वेरी गुड, 20 का ओके एडप्टिव रेडिएशन, एक और कर लें सवाल, 21 करते हैं एडप्टिव रेडिएशन। ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल। ओके क्वेश्चन नंबर 21 अब ये क्या दिख रहा है,
क्वेश्चन नंबर 21 सर, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक जगह से, एक बोलते एक स्टॉक से अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? आप खुद ही देख के बताइए ये क्या हो रहा है यहाँ पे। आई गेस आप इसमें मेरे को पूछना भी नहीं पड़ेगा, आपको दिख रहा है ठीक है कि एक जगह से जाके निकल के रेडिएट कर रहे हैं। तो रेडिएट कर रहे तो उस टाइम पे क्या लिखा था ये आपके लिए, आप जरूर इसको बताइएगा। क्योंकि देखो मैंने आपको ड्राइंग समझाया था कि कन्वर्जेंट का मीनिंग होता है कि एक पॉइंट पे आके मिल रहे सिमिलर है ना, और जब डाइवर्ज करते हैं मतलब क्या होता है, एक जगह से कॉमन पॉइंट से निकलते हैं। इसको रेडिएशन भी बोला गया था, एडप्टिव रेडिएशन भी, राइट। और यहाँ पे एक और टर्म यूज किया जाता है, 21। वेरी गुड, डाइवर्जेंट बोल रहे हैं। ओके एक और करते हैं, नॉट, देखो रिकैपिचुलेशन तो मत बोल देना ना, पैरेलल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या सवाल है सर यहाँ पे? ओके ओके चलो आ जाओ। ओके भैया कंफर्म होती है, कंफर्म इन द सेंस अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं हॉस्पिटल में तो आपके अपने हॉस्पिटल में आपको बढ़िया ब्रांच मिल जाता है। ब्रांच इन द सेंस कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, वो हाउस स्टाफ मिल जाती है। ओके हाउस स्टाफशिप, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एटमोस्फेरिक, अगर आप सरकारी कॉलेज से पास आउट हो तो। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ इवोल्यूशन, तो हम लोग वो भी कवर कर दे रहे हैं। लाइक एन, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्या सवाल है? एनालॉगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू, एनालॉगस मतलब समझ रहे हो, एनालॉगस फंक्शन एक है, तो ये किस इवोल्यूशन के कारण हुए होंगे? कन्वर्ज के कारण, अलग अलग जगह से जाके एक जगह कन्वर्ज कर रहे हैं, राइट। आंसर आ गया। ओके तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। एकदम ईजी था। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल कर ले, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ओके इवोल्यू, ओके इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म हैड ए ट्रेंड ओके ऑफ मूविंग फ्रॉम, देखो लाइफ ओरिजिनेट वाटर पे हुआ था ये सबको पता है, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, बट वहां से अब कहाँ जा रहे हैं, ट्रेंड क्या दिख रहा है? वाटर टू लैंड, वाटर टू लैंड, वेरी गुड, डन ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, विविपैरिटी इज कंसिडर टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज, ओके चलो आज यहाँ पे एकदम देखते हैं, बढ़िया वाला ये सवाल करते हैं ठीक है। विविपैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवॉल्व बिकॉज, विविपैरिटी क्यों सर आपको बोला गया मोर इवॉल्व है? एनी वन हैविंग एनी रीजन? यस, बिकॉज उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं हम लोग, बच्चे को अंदर रहता है, बच्चा अंदर रहता है मदर के बॉडी के, सेफ रहता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं ठीक है। ओके तो सी था ना उसका, क्या बोलते हो? सी था, यस। ओके बॉर्न लीडिंग टू मोर चांस ऑफ सर्वाइवल, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या सवाल है यहाँ पे? फॉसिल्स आर जनरली ओके फाउंड इन, कौन से रॉक में मिलते हैं फॉसिल्स? जनरली कौन से रॉक में मिलते हैं जल्दी बताइए? सेडिमेंटरी, नीचे जो दबे हुए सेडिमेंटरी, वेरी गुड, सेडिमेंटरी रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 27 का, क्वेश्चन नंबर 27 इसको कैलकुलेट करिए। एम एन ब्लड ग्रुपिंग दिया है, जैसे ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग होता है वैसे एक एम एन ब्लड ग्रुपिंग भी होता है। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एम एंड एन अलील आर 0.7 0.3, द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप, ओके एम एन मतलब हेटरोजाइगस, हेटरोजाइगस के लिए 2PQ फॉर्मूला लगाते हो, तो निकाल लीजिए 2PQ करना है खाली आपको। 27 का क्या हो जाएगा कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। 27 का व्हाट शुड बी द आंसर? वेरी गुड, 2 × 0.7 × 0.3 वाला कहानी है, अब यहाँ परसेंटेज बोला था तो आप निकाल लिया, वेरी इजी, 42%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ये आज हम लोगों ने शाम को ये वाला क्वेश्चन किया था, याद है? ये एग्जाम्पलर का ही सवाल था। ओके तो गाइज जिनको नहीं पता कि अभी रात को 12 बजे यूनिट वाइज 100 MCQ वाला सीरीज स्टार्ट हो रहा है नॉक्टर्नल ऑन एन अकेडमी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे को वहाँ पे। ओके लिंक इज इन द लाइक, लिंक ऑफ माई प्रोफाइल इज इन द लाइक, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से क्लिक करके। नाउ इसका आंसर हो जाएगा लोब फिश, लोब फिंस भी बोलते हैं बहुत लोग इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 29 आइए, 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एस्ट्रेलोपिथेकस, एस्ट्रेलोपिथेकस के लिए क्या क्या सही है चलो देखते हैं। एसेंशियली एट फ्रूट, हंटेड विद स्टोन वेपन, ट्रांजिशन बिटवीन एप एंड ह्यूमन, ये ऑल ऑफ देम आर करेक्ट ठीक है, ये तीनों ही तो सही है ना, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या सवाल है? होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी कितना था होमो हैबिलिस की? ओके चलो आज आराम से देखते हैं। ओके इसका आंसर हो जाएगा 650 से 700 CC, वेरी गुड।
चलो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 31, होमोसेपियंस लाइकली मोस्ट लाइकली अरोजन। ओके, क्या लगता है कि कहाँ पे अरोज हुए थे होमोसेपियंस? मॉडर्न मैन वाला कहाँ पे अरोज हुए थे? इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका या अफ्रीका? आंसर आ जाएगा अफ्रीका। प्रूफ्स मिलते हैं अफ्रीका से अरोज हुए थे, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये सब जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 32, 32 भी आ गया तो कर लेते हैं। ओके, चैप्टर बता दो आज का। आज यूनिट वन है, आज हम लोग यूनिट वन करने वाले हैं ये नॉक्टर्नल सीरीज में अनअकैडमी पर, एंड दैट इज फ्री फॉर एवरीवन, एवरीवन इज इनवाइटेड। आप आ सकते हो, ज्वाइन करके 100 एमसीक्यूज कर सकते हैं वहाँ पे। होमोसेपियंस अरोज इन, सर होमोसेपियंस कब अरोज हुए हैं? आइस एज में, बिटवीन 75,000 टू 10, ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ये क्या होना चाहिए? ये कौन सा नंबर है? एक सेकंड देखते हैं। ये आपका 32 नंबर, 32 का क्या हो जाएगा? जल्दी से बोल दीजिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही आंसर कर दिया सबने। चलो 33 भी देख लें क्या? एक और देख लेते, एक आ गया तो। 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 33 क्या सवाल है ये? ओके, आपसे पूछा कि होमो सेपियंस नियंडरथल, भाई 11th क्लास से यूनिट वन, यस 11th क्लास का यूनिट वन है आज। ओके, होमो सेपियंस नियंडरथल और क्रो मैग्नन प्रोबेबली ओरिजिनेटेड फ्रॉम, क्या क्या लिखे? इरेक्टस, हैबिलिस, रामापिथेकस, प्रोकोंसल। आंसर आ जाएगा इरेक्टस से आए थे। कहाँ से? इरेक्टस से। आज 11th का सिद्धि जी, 11th का यूनिट वन मैंने बोल दिया सभी बच्चों को, 11th यूनिट वन, राइट? ओके, तो ये आ जाएंगे इरेक्टस से। तैयार है? नहीं है? ओके, तैयारी नहीं किया तो कोई बात नहीं, सीख लोगे ना। देखो, तैयारी नहीं किया तो सीख के जाओगे, दो में से एक चीज़ तो होगी। 100 एमसीक्यूज देखोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा कि हाँ भाई ऐसे करना चाहिए। कोई बात नहीं गाइस, अभी हम लोग एंड कर रहे हैं। जिन जो बच्चे अभी अभी क्लास में घुसे हैं, आप प्लीज इसको देख लीजिए एक बार वापस से, दिखाना एक बार क्या था। ओके, कहाँ गया सर? ओके, ये वाला क्या? ये होमो सेपियंस, और ये एनसीईआरटी में दिया गया एक्चुअली, 75,000 वाला लिखा है। ठीक है, चलो हो गया, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। कल मिलते हैं, डोंट वरी, कल कुछ नए चैप्टर्स के साथ आई गेस मिलने वाले हैं, लेट्स सी। ठीक है, टिल देन गाइज ऑल द बेस्ट। ओके, चलो जाओ, बाय, सी या।